नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने चैनल सेठ जी के पॉइंट पर। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम देखने वाले हैं भूगोल के भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल में मरुस्थल और शुष्क क्षेत्रों के बारे में देखेंगे। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। थार मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? तो थार मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? ग्रेट इंडियन डिजार्ट के नाम से जानते हैं। थार मरुस्थल कहाँ फैला है? तो थार मरुस्थल कहाँ फैला है? भारत में 62% और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? थार मरुस्थल है या थार मरुभूमि है। थार मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो कितना है? 83 है। मरुस्थल की श्रेणी में कौन सा क्षेत्र आता है? तो मरुस्थल की श्रेणी में कौन सा क्षेत्र आता है? ऐसे क्षेत्र जहां पर औसत वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम होता है। जिन क्षेत्रों में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन्हें मरुस्थल कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय मरुस्थल कौन है? कौन है? सहारा मरुस्थल या कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मध्य एशिया के जिजियांग युग पर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? उत्तरी चीन और मंगोलिया में स्थित है या अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। कोलोराडो मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? यूएसए कैलिफोर्निया में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल में किन खनिजों का विशाल भंडार है? तो किन खनिजों का विशाल भंडार है? सोडियम नाइट्रेट और तांबा अन्य खनिजों का विशाल भंडार है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कितने अक्षांश के मध्य पाया जाता है? तो कितने अक्षांश के मध्य पाया जाता है? 30 से 60 अंश के बीच में पाया जाता है। 30 से 60 अक्षांश में कौन से मरुस्थल आते हैं? तो कौन से मरुस्थल आते हैं? पेंटागोनिया, गोबी और लद्दाख मरुस्थल आता है। उष्ण कटिबंधीय गर्म मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा से 15 से 30 डिग्री उत्तर दक्षिणी व्यापारिक पेटी में पाए जाते हैं। विश्व के कुल भूमि के लगभग 1/4 भाग किसका विस्तार है? तो किसका विस्तार है? खास भूमियों का विस्तार है। उष्णकटिबंधीय खास के मैदान का विस्तार कहाँ है? तो कहाँ है? भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्रों के मध्य है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के उदाहरण है। तो घास उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के उदाहरण है कौन है? टनोज, कैंपास, सेल्वास, पार्कलैंड और सवाना है। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन है? लद्दाख है। लिवियान मरुस्थल कहाँ है? लिबियाना मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? गोबी है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। हमद मरुस्थल कहाँ स्थित है? अरब में स्थित है। रूब अल खली मरुस्थल कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नकोल मरुस्थल कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। नबीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? नबीबिया में स्थित है। काराकुम मरुस्थल कहाँ स्थित है? तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। सोमाली मरुस्थल कहाँ स्थित है? सोमालिया में स्थित है। नमस्कार दोस्तों।